अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का आखिर मकदम है। मुकामी खबरों पर एक नजर, उससे पहले सुर्खियां। आज बेलगाम कॉर्पोरेशन में पहली जनरल बॉडी मीटिंग तलब फरमाई गई। सरकारी बाबुओं के तबादले पर हमासान, जल्द ही लिया जाएगा फैसला। बेलगाम सीसीबी पुलिस की जानिब से बड़ी कार्रवाई, नकली शराब बनाने और बेचने पर मानतेश नगर अपार्टमेंट पर छापामारी, दो को किया गिरफ्तार। आज बारिश थोड़ा कम लेकिन मौसम रहा सर्द। दरख्त गिरने का सिलसिला जारी, मंडोली में सड़क पर गिरा दरख्त। बारिश के चलते खानापुर में हफ्ते के रोज स्कूल रहेंगे बंद। अब खबरें तफसील से। बेलगाम कॉर्पोरेशन में आज पहली जनरल मीटिंग तलब फरमाई गई। पहली मीटिंग में ही कॉर्पोरेशन में 3 साल से ज्यादा अरसे से कुर्सी से चिपक कर बैठे अफसरान के तबादलों पर घमासान देखा गया। वैसे कुछ लोग वसीला लगाकर अपनी कुर्सी को मजबूत करने की कोशिश इससे पहले भी करते रहे हैं। कुछ कामयाब जरूर हुए, लेकिन आज की मीटिंग कॉर्पोरेशन अफसरान के तबादलों पर ही हुई है। मामला आरटीआई के जरिए कॉर्पोरेटर शंकर पाटिल ने तफसीलात को सामने रखने के बाद ही पेश आए। नगर निगम में बरोज जुमा को हुई आम मीटिंग में सरकारी अफसरान के तबादले की पेशकश को मंजूरी दे दी गई और अगले 3 दिनों में 102 से ज्यादा मुलाजमीन और अफसरान की फहरिस्त बनाकर सरकारी दरबारियों को भेजने का फैसला लिया गया। वैसे सरकारी उसूल के मुताबिक 3 साल के बाद तबादले जरूरी होते, लेकिन बेलगाम कॉर्पोरेशन का मामला ही अजीब है। और सिर्फ कॉर्पोरेशन ही एक मोहकमा नहीं है, बेलगाम में जो भी किसी भी मोहकमे में आता है वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहता, उसे बेलगाम ही अच्छा लगने लगता है। पुलिस मोहकमा हो या दिगर सरकारी यानी इनकम टैक्स बैंकों का हो, यहाँ से बाहर जाने को किसी का दिल नहीं होता। लेकिन अब आरटीआई के जरिए इत्तला हासिल की गई कि 1987 के बाद कॉर्पोरेशन में तबादले की कार्रवाई को अंजाम ही नहीं दिया गया। 102 मुलाजमीन अफसरान का तबादला होना यकीनी माना जा रहा है। इससे कॉर्पोरेशन के कामों को बेहतर बनाने में आसानी होगी, ऐसा भी कहा। इस वक्त मुजम्मिल डोनी और अजीम पटवेकार ने भी अपने ख्याल रखे। मैं तभी से आपसे पूछता हूँ कि इसके ऊपर आप क्या डिसीजन लेना चाहते हैं, आप क्या सोच रहे हैं? और ऑफिसर जो है हमारे कॉर्पोरेशन के कुछ ऑफिसर है जो इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस के लिए जो काम कर रहे हैं, उनको भी इसी तरह से बात करता है, ऑफिसर को भी गाली देता है, ऑफिसर को भी ऐसी बात करता है। और इसका मतलब जो है कि महानगर पालिका में जो सदस्य जो बैठे हैं, मेयर जो है, इनकी कुछ वैल्यू नहीं है उसके सामने। अगर वो एक बिजनेसमैन है, हम नगर सेवक लोगों की सेवा करने के लिए है, वो एक बिजनेसमैन है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट वो लिया है वो उससे पैसा कमाता है। फर्स्ट सर देशपांडे सर वर्क यहाँ ईवत वाणी ना और कंप्लीट मानक यहाँ को सर स्मार्ट सिटी महानगर पालिके टेंडर आगे। बेलगाम शहर और अतराब में कई गैरकानूनी कामों को अंजाम देने की बात बारह सामने आती रही है, लेकिन बेलगाम पुलिस भी अपने खदमात बखूबी अंजाम देती रहती है। एक बार फिर सीसीबी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नकली शराब बनाने और बेचने वालों पर कार्रवाई कर सदाशिव नगर के वीरपक्षी अपार्टमेंट में छापामारी की, जिसमें लाखों रुपए की गैरकानूनी शराब को बरामद किया गया। राकेश केशव और व्यापारी नाम के 2 अफराधों को गिरफ्तार किया गया। सीसीबी इंस्पेक्टर अल्ताफ मुल्ला की जेर निगरानी इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। शराब की कीमत 4 लाख से भी ज्यादा होने की बात कही जा रही है। बेलगाम शहर के अलग अलग बार में जाकर खाली बोतलों को जमा कर उन पर नकली लेबल लगाए जा रहे थे, ऐसा भी बताया जा रहा है। सीसीबी इंस्पेक्टर अल्ताफ मुल्ला और इनकी टीम को इसके लिए मुबारकबाद।
आज पूरा दिन बारिश तो रही, लेकिन कल के मुकाबले में बारिश का जोर कम ही रहा। लेकिन मौसम में सर्दी थी, बारिश के चलते बाजार में आज भीड़ कम ही नजर आ रही थी। मुस्तकिल बारिश से कुछ जगहों पर दरख्त गिरने की वारदातें पेश आ रही है। मंडोली में आज बड़ा दरख्त गिरने की इत्तला हासिल हुई है। दरख्त का एक हिस्सा कार पर गिरा, लेकिन किसी तरह का नुकसान होने की खबर नहीं है। खानापुर तालुका में मुसलसल बारिश के चलते कल बरो शनिचर स्कूल कॉलेजेस को छुट्टी का ऐलान डीसी नितेश पाटिल की जानिब से दिया गया है। मुस्तकिल बारिश से नदी नाले भरे हुए हैं और मुख्तलिफ देहातों से तलबा तालिबा स्कूल कॉलेजेस के लिए खानापुर आते हैं। इनके तहफ्फुज़ के चलते यह फैसला लिया गया, ऐसा बताया गया। और आखिर में सबसे अहम दहकता मौजू, मणिपुर की वारदात ने मुल्क को शर्मसार तो कर ही दिया है, साथ में देश की अजमत उसके वकार को भी कलंकित किया, जिसके लिए भाजपा हुकूमत को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और जिम्मेदार है भी, क्योंकि मणिपुर रियासत और मरकज में मोदी हुकूमत ही है और बार बार डबल इंजन की दुहाई इन्हीं मोदी सरकार की तरफ से दी जाती रही है। कैसे मामलों को मोड़ने के लिए फैसले भी सुनाए जाते हैं, इसे भी समझने की जरूरत है। मणिपुर की वारदात को लेकर जब भाजपा हुकूमत के खिलाफ, वजीर आजम मोदी के खिलाफ, वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ मुल्की सतह पर गुस्सा देखने को मिल रहा है। मणिपुर में दो कुकी कबीले की लड़कियों को सरेआम हजारों लोगों की भीड़ में बराना घुमाया गया। वैसे तो मामला 75 दिन पहले का था, पर अब मंजर आम पर आया है, जिसके बाद भाजपा के खिलाफ मुल्की सतह पर गुस्से का इजहार किया जा रहा है। वैसे बाहरी मुल्कों में भी इस खबर पर तबसरा किया जा रहा है और भारत को निशाना बनाया जा रहा है। जो वकार इज्जत थी उसे यकीनन मोदी हुकूमत ने मिट्टी में मिला दिया, ऐसा कहना गलत ना होगा। मामला और भी संगीन तब बन जाता है जब भाजपा और मणिपुर के वजीर आला बीरेन सिंह ने कहा कि इस तरह के सैकड़ों वाकियात पेश आ चुके हैं, अब इसे क्या कहा जाए, बेशरम ही कह सकते हैं, इसलिए हमने इंटरनेट को बंद किया था, ये भी उन्होंने कहा, अब इसे क्या कहा जाए। और जब मामला सर के ऊपर हुआ तो वजीर आजम अपने मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए आए और महज 38 सेकंड में अपना दर्द बयान करने की एक्टिंग करके चले गए। सभी जानते हैं कि कैसे अदाकार हमारे वजीर आजम हैं, और ये अब से नहीं है, इससे पहले भी बिल्किस बानो मामले में आपने देखा होगा, ये उनकी तारीख रही है। महज ये इनके नारे रहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ये हकीकत में देखा जाए तो इस तरह के वाकये इनकी पूरी तारीख में देखे जाते हैं। बिल्किस बानो जिसके पेट से बच्चे को तलवार की नोक पे उछाला गया था, उन्हें जेल से रिहा करने वालों से आखिर क्या उम्मीद की जा सकती है। इन्हीं की फूल मालाएं और मिठाइयां बांटकर उनका इस्तकबाल किया गया था। आज 3 महीने खत्म होने को आए, मणिपुर जल रहा है, वजीर आजम फ्रांस यूएस इजिप्ट का दौरा करते हैं, कभी मामूली मणिपुर पर ट्वीट करने की तौफीक इन्हें नहीं होती। मिथाई हिंदू और कुकी ईसाई कबीलों के दरमियान खून खराबा मुस्तकिल जारी है, आखिर इन्हें हथियार कहां से मिल रहे, क्यों वजीर आजम ने मणिपुर को जलने से नहीं बचाया, क्यों तशद्दुद को बंद करने का ऐलान नहीं किया, आखिर इसके पीछे कौन सी रणनीति है, क्या इसका भी सियासी मुफाद हासिल करने की घिनौनी सोच भारत की सियासी पार्टियां रखते हैं। महज भारत माता की जय कहने से बात नहीं बनती और ना ही देशभक्त बन सकते हो। औरत का मुकाम जिस देश में देवी का माना जाता है, वहां औरतों को बराना करके उनके जिस्मों को नोच दिया जाता है, इससे शर्मनाक क्या हो सकता है। हजारों की भीड़ के हवाले करने वाले पुलिस अफसर कौन है, किसके कहने पर किया गया वगैरह, बहुत से सवाल है जिसका जवाब मिलना जरूरी है। लेकिन भाजपा चालाक है, अभी मणिपुर मामले को लेकर मुल्की सतह पर चर्चा जारी ही हुई थी तो इस बहस को मोड़ते हुए ज्ञान वैपी का फैसला हिंदू पक्ष में दिया जाता है, मतलब फिर चर्चा का रुख मोड़ दिया जाता है। इतना तो जरूर है कि मणिपुर की वारदात मोदी सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, जिम्मेदारी तो लेनी होगी, और जिम्मेदारी लेकर पहले मणिपुर सरकार को बर्खास्त करे, फिर खुद मरकजी सरकार को भी अख्तदार पर रहने का हक नहीं है, वरना तो ये पब्लिक है सब जानती है 2024 के लिए इसी तरह आग फसाद हिंदू मुस्लिम नफरत या हिंदू राष्ट्र की कहानियां लाकर गुमराह करने की कोशिश तो हो सकती है, लेकिन लोगों की समझ में सब कुछ आ चुका है, क्योंकि ये पब्लिक है सब जानती है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।